मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। आज क्या पढ़ाएंगे? तीन अंक के बाद पढ़ना है। एक अंक दो अंक हम आपको करवा चुके हैं पहले, है ना? ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए तीन अंक के भाग में क्या होता है, थोड़ा सा गणना उसकी मुश्किल पड़ जाती है। बुक दीजिए तो आप लोग उससे नंबर देख के डर जाते हैं, बड़े बड़े अंक देख के। कौन सा करवाए? पहले में छह सवाल है, कौन सा करवाए? गा 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 करवाते हैं। ठीक है, ये देखिए गा वाला सवाल हम यहाँ लिख लेते हैं। ये 5 8 4 6 3 2 1 डिवाइडेड बाय 7 8 3 क्या हुआ? 58,40,321 में 783 का भाग देना, यही तो है। अब आपको समस्या आती है कि साहब 783 का भाग कैसे दें? 783 का तो पहाड़ा हमें नहीं आता, कैसे समझेंगे? तो मैं आज आपको इसका बड़ा आसान तरीका बताता हूं, एक बार में आपको भाग करना आ जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। बस आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे मेरी बात। 783 को ऐसे लिख दीजिए सबसे पहले तो, जैसे आप करते हैं 783 को ऐसे ऐसे तो देते हैं भाग। ये क्या है? भाजक। ये भाज्य, भाजक को यहां लिख लेंगे, भाज्य को यहां लिख लेंगे, ये लिख दिया और यहां पर हम भाग पर लिखेंगे। अब देखिए करेंगे क्या कि 783 का पहाड़ा तो बनाता नहीं, तो हम अंदाज जैसे इसमें 5 8 4 मतलब 3 4 के आसपास के, 3,000 4,000 के आसपास के इसमें अंक आएंगे। ये बात में समझ में आएगा, पहले इसको देखिए। 783 का भाग करेंगे तो 3 अंक की संख्या में तो होगा, 3 अंक की संख्या कौन सी है? 584। 584 में 783 का भाग हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 584 छोटा है, 783 बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसमें एक अगला अंक को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5,846। अब 5,846 में भाग हो जाएगा वो तो ज्यादा है 783 से, तो 783 का अंदाजे से एक पहाड़ा हम मानेंगे, 700 का पढ़ दीजिए, 83 छोड़ दीजिए। अभी 7 5 कितना हो रहा है? 35 अंदाजे से, और 7 6 कितना होता है? 42। तो 42 में 8 6 48, 480 42, ऐसे करके अंदाजे से मान लेते हैं 4,600 के आसपास हो जाएगा। नहीं ऐसे समझ में तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें 4 की गुणा कर लीजिए, 783 × 4 बराबर कितना आ गया? 3132। अब 5 की करके रख लीजिए, पहले ये गुणा आप करके रख लीजिए, 3 4 5 6 की गुणा कर दीजिए, 5 3 15 यहां से ले, 5 8 40 41 5 7 35 4 39 इस तरह से, और ये आ गया 4 7 9 8। 783 में अगर हम 6 का करेंगे तो ये हमें कर ली, इन तीन अंकों की हमें ज्यादातर जरूरत पड़ेगी अंदाजे से, अगर और आगे पीछे जरूरत पड़ी तो हम दोबारा गुणा कर सकते हैं। तो 783 है 5,846, ये क्या है? 7 की ओर करके देखो, चलो 783 में 7 की मान लो हमने करी तो 7 3 21 7 8 56 57 79 54 5,481 हो गया, तो ये ही आएगा 783 70 5,481, इससे कम है ना 5,800 से। अब घटा दीजिए, यहां बच गया 5 14 में से 8 6 यहां 7 7 4 3 यहां 0। ठीक, 365 में भाग अब जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे अगली वाली संख्या में यहां पर उतार लेंगे 3। अब हो गया 3,653, 3,615 ज्यादा है, 3,132 से ठीक है, तो 4 बार चला जाएगा, हमने ऑलरेडी कर रखा है चौके 3,132। अब घटा लीजिए 3 में 2 गया, 1 5 में 3 गया, 2 6 में 1 गया 5, 0 का 0। अगला आपको उतार लीजिए 2, अब संख्या बनी 5,212। अब 5,212 में 7 बार हमने किया था, देखिए ये तो 5,400 कैसे आया था, हमने किया 7 बार तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, और 6 बार करते हैं तो 4,798 आता है, तो 6 बार कर दीजिए सिक्के 4,798। हमने क्या किया कि इसमें 2 की 3 की 4 की गुणा करके पहले रख ली, तो भाग करने में हमें बहुत आसानी हो गई, इसका पहाड़ा जैसे बना लिया। पहाड़ा भी तो क्या होता है, गुणा 10 से कम 10 10 में 1 की गुणा, 10 2 20, 10 में 2 की गुणा, ऐसे ही जिसका भी पहाड़ा आपका बनाना है उसकी 4 5 गुणा करके रख लो, तो आपके काम आने वाली साइड में, और फिर सीधे करते चले जाओ। अब हमने 6 बार कर दिया, इतना आ गया
चार मिल गया, दस हो गया, दस में से नौ गया, एक बचा, यहाँ एक बचा, ग्यारह में सात गया, चार बचा, यहाँ जीरो। अब एक संख्या बची एक, ये बन गया 4141। अब छह बार करेंगे तो 4798 और पांच बार करेंगे तो 3915। तो 3915 ठीक है, पांच बार कर दीजिए, पंजे 3915। अब 11 में से 5 गया 6, यहाँ जाएगा 3 में से 1 गया 2, यहाँ 1 जाएगा नहीं, 11 हो गया, 11 में से 9 गया 2, ये शेष पर आ गया। अब अंक तो आगे बचा नहीं, तो भाग आपका पूरा हो गया, ये बच गया आपका शेष शेषफल, ये हो गया आपका भागफल, ठीक है। ये आपका था क्या भाजक, ये था भाजक, ऐसे ही तो था। तो 783 का हमने 58,4632 में भाग दिया तो आ गया 7462 और शेष बच गया 226। तो इस तरह से आप तीन अंकी गुणा बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक बहुत बढ़िया बात मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, बहुत सारा तामझाम फैला लीजिए, बहुत सारी गतिविधियां कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो तमाम बातों से और ज्यादा टाइम ही खराब होता है। अगर समझने की बात आप सीधे सीधे समझ जाए तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, पीछे का काम पूरा कर लीजिए, आगे की बात को सीधे सीधे समझ जाइए, सब जो बता रहे हैं काम फिट। अब आज इतने तमाम बातें हो रही हैं, तमाम काम किए जा रहे हैं, नई नई बातें, नए नए इनोवेशन, लेकिन परिणाम फिर भी वो नहीं आ रहे जो आने चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा हो गई, शिक्षा को अध्यापक केंद्रित मत बनाइए, बाल केंद्रित रहने दीजिए। अगर बच्चे के केंद्रित शिक्षा रहेगी, बच्चे को समझाना, बच्चे को बताना, अध्यापक और बच्चे के बीच में थोड़ा सा समय रहे, अध्यापक अपनी बात बच्चे से समझा सके, जैसे भी समझा सके, सबकी स्थिति परिस्थिति माहौल परिवेश अलग अलग होता है, तो बात बनती है। अब ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इन सब बातों से भला होने वाला नहीं है। अब आपको सीधी बात मैं ये कहता हूं, अपने सारे स्टूडेंट से कहता हूं कि आपको सवाल समझने के लिए जो बात समझने की है वो समझनी चाहिए। इसमें क्या बात समझने की थी कि जब बड़ा अंक हो, तीन अंक के आपको भाग करने हो तो इसमें दो की, तीन की, चार की, पांच की, गुणा छह की करके रख लीजिए एक साइड में पहले ही, तो ये तो करी लगे आप गुणा एक अंक की, तो इसका पहाड़ा बन जाएगा और फिर सीधा सीधा भाग देते चलेगा।